गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर मैथमेटिक्स क्लास थर्ड चैप्टर टू एडिशन समरी। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, नंबर 1 एडिशन सम्स, 3 डिजिट नंबर्स एंड 4 डिजिट नंबर्स। नंबर 2 अरेंज द नंबर्स वर्टिकली एंड ऐड। Number 3, properties of addition and fill in the blanks. Number 4, word problem sums. Question 1, add the following. Type 1, 3 digit numbers. Beta type 1 mein hum 3 digits ke numbers ko add karenge. पार्ट ए, सबसे पहले हम प्लेसेस को रीड करेंगे। ओ स्टैंड्स फॉर वंस, टी स्टैंड्स फॉर टेंस, एस स्टैंड्स फॉर हंड्रेड्स एंड गिवन नंबर्स आर 241 प्लस 452। सबसे पहले हम वंस प्लेस के नंबर्स को ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 3, राइट, 3 हेयर एट वंस प्लेस। अब हम टेंस प्लेस के नंबर्स को ऐड करेंगे। टेंस प्लेस के नंबर्स हैं 4 5, 4 प्लस 5 9, राइट, 9 हेयर एट टेंस प्लेस। एट लास्ट वी विल ऐड हंड्रेड्स प्लेस नंबर्स, 2 प्लस 4 6, राइट, 6 हेयर एट हंड्रेड्स प्लेस। आर आंसर इज 693। Understood? Now we will solve part B. At ones place, given numbers are 1, 6, 0. पहले हम 1 और 6 को प्लस करेंगे। जो 1 और 6 को प्लस करके हमारा आंसर आएगा, उसमें हम थर्ड नंबर 0 को प्लस करेंगे। Now let's start. 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 0 7, right? 7 here at ones place. Now we will add tens place numbers. 7 plus 3 10, 10 plus 2 12, right, 2 here at tens place and carry 1 here at hundreds place. Now we will add hundreds place numbers. 3 plus 2 5. Okay, here below 2 there is no number, so we will write 0 here. 5 plus 0 5 plus carry 1 6, right, 6 here at hundreds place. Our answer is 627. Now type 2, 4 डिजिट नंबर्स। अब हम, पहले हमने 3 डिजिट के नंबर को ऐड किया पार्ट ए और बी में, अब हम सी और डी पार्ट में 4 डिजिट के नंबर्स को ऐड करेंगे। लेट्स सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस प्लेस नंबर्स, 4 प्लस 2 6, right, 6 here at ones place. Then we will add tens place numbers. 3 plus 1 4, right, 4 here at tens place. Next we will add hundreds place numbers. 2 plus 1 3, right, 3 here at hundreds place. At last we will solve thousands place numbers. 5 plus 4 9, so right, 9 here at thousands place. Our answer is 9346. Clear beta? Now we will solve part D. First of all add ones place numbers. 3 plus 8 11, so write 1 here at ones place and carry 1 at tens place. Now add tens place numbers. 5 plus 5 10, 10 plus carry 1 11, write 1 here at tens place and carry 1 at hundreds place. बेटा मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको, आप किसी भी दो नंबर को प्लस कर रहे हो तो यू नो कि यू हैव टू ऐड फ्रॉम वंस प्लेस नंबर। तो अगर वंस प्लेस का कैरी है तो उसको आप टेंस पर लिखोगे, और टेंस का कैरी है तो आप हंड्रेड प्लेस पर लिखोगे, और हंड्रेड प्लेस पे अगर कैरी है तो आप
थाउजेंड प्लेस पे लिखोगे. क्लियर बेटा? नाउ वी हैव टू ऐड हंड्रेड प्लेस नंबर्स. 2 + 3 = 5, 5 + 1 = 6, राइट? 6 हियर एट हंड्रेड प्लेस. नाउ वी विल ऐड थाउजेंड प्लेस नंबर. सो बी केयरफुल हियर, देयर इज नो कैरी. कई बच्चे क्या करते हैं, पहले से ही कैरी लगा देते हैं, बट बी केयरफुल बेटा, अगर कहीं पे कैरी नहीं है तो आप कैरी नहीं लगाओगे. क्लियर? थाउजेंड प्लेस नंबर्स आर 1 + 6 = 7, सो राइट 7 हियर एट थाउजेंड प्लेस. आर आंसर इज 7611. क्वेश्चन वन, एट द फॉलोइंग टाइप टू 4-डिजिट नंबर्स. बेटा अब हम 4-डिजिट के नंबर्स को ऐड करेंगे. पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द places. O stands for ones, T stands for tens, H stands for hundreds, TH stands for thousands. सबसे पहले हम ones place के numbers को add करेंगे. Ones place numbers are 4, 1, 1. सबसे पहले हम 4 और 1 को plus करेंगे. जो answer आएगा उसमें हम third number 1 को प्लस करेंगे. लेट्स स्टार्ट नाउ. 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6, राइट? 6 हियर एट वंस प्लेस. नाउ वी विल ऐड टेंस प्लेस नंबर्स. 2 + 6 = 8, 8 + 1 = 9, राइट? 9 हियर एट टेंस प्लेस. अब हम हंड्रेड प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे. 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, राइट? 4 हेयर एट हंड्रेड प्लेस. एट लास्ट वी विल ऐड थाउजेंड प्लेस नंबर्स. 5 + 0 = 5, 5 + 4 = 9, सो राइट 9 हेयर एट थाउजेंड प्लेस. आर आंसर इज 9496. Now we will solve part F. First of all, we will add ones place numbers. Ones place numbers are 3, 9, 8. पहले हम 3 और 9 को ऐड करेंगे. जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम थर्ड नंबर 8 को ऐड करेंगे. 3 + 9 = 12, 12 + 8 = 20, राइट? 0 हेयर एट वंस प्लेस, कैरी 2 हेयर एट टेंस प्लेस. अब हम टेंस प्लेस के नंबर्स को ऐड करेंगे. 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + carry 2 = 17, राइट? 7 हेयर एट टेंस प्लेस, कैरी 1 हेयर एट हंड्रेड प्लेस. नाउ वी विल ऐड हंड्रेड प्लेस नंबर्स. 2 + 6 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 1 = 12, राइट? 2 हेयर एट हंड्रेड प्लेस, कैरी 1 हेयर एट थाउजेंड प्लेस. अब हम थाउजेंड प्लेस के नंबर्स को ऐड करेंगे. 1 + 4 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + carry 1 = 9, सो राइट 9 हेयर एट थाउजेंड प्लेस. आर आंसर इज 9270. क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द नंबर्स वर्टिकली एंड ऐड. बेटा हम ये जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं ना, 5525, 1590, 1975, हम इन तीनों नंबर्स को पहले वर्टिकली अरेंज करेंगे और फिर ऐड करेंगे.
vertically means standing position. Okay, सबसे पहले हम first number को vertically arrange करेंगे. First number is 5525. So we will write 5 here at 1's place, 2 at 10's place, 5 at 100's place, again 5 at 1000's place. Now we will arrange second number vertically. Second number is 1590. So we will write 0 here at 1's place, 9 at 10's place, 5 at 100's place, 1 at 1000's place. Okay, now we will arrange third number vertically. That is 1975. So we will write 5 here at 1's place, 7 at 10's place, 9 at 100's place, and 1 at 1000's place. Now we have arranged these three numbers vertically. Now we will add them. ओके सबसे पहले हम वंस प्लेस के नंबर्स को ऐड करेंगे. 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 5 10. राइट 0 हेयर एट वंस प्लेस, कैरी 1 हेयर एट टेंस प्लेस. अब हम टेंस प्लेस के नंबर्स को ऐड करेंगे. टेंस प्लेस के नंबर्स कौन से हैं? 2, 9, 7. पहले हम 2 और 9 को ऐड करेंगे. जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम 7 को ऐड करेंगे. फिर जो 7 को ऐड करके आंसर आएगा उसमें हम कैरी 1 ऐड करेंगे. क्लियर? 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 1 19. So write 9 here at 10's place, carry 1 here at 100's place. अब हम 100's place के numbers को add करेंगे. 5 plus 5 10, 10 plus 9 19, 19 plus carry 1 20. So write 0 here at 100's and carry 2 here at 1000's place. अब हम 1000's place के numbers को add करेंगे. 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, 7 plus carry 2 9. Write 9 here at 1000's place. So our answer is 9090. Now, next topic is properties of addition. First property is adding 1. When we add 1 to a number, we get the next number. बेटा, जब भी हम किसी number में 1 को plus करते हैं, तो हमें उससे अगला number मिलता है. Clear बेटा? For example, 2344 plus 1 equal to 2345. जब हमने 2344 में 1 को प्लस किया तो उसका अगला नंबर क्या मिला हमें? 2345. क्लियर बेटा? नाउ नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज एडिंग 0. बेटा, when 0 is added to any number, जब हम 0 को किसी भी number में plus करते हैं, the answer is the number itself. तो उसका answer वही number ही होता है. Clear? For example, 634 plus 0 equal to 634. हमने 634 में जब 0 को plus किया, तो हमारा answer क्या हुआ? Number itself means 634. Number 3, order in addition. Beta, numbers can be added in any order, the answer remains the same. What does it mean? कि जब भी numbers को हम किसी भी order में add करें, clear? तो हमारा answer same ही रहेगा. For example,
20 + 32, हमने नंबर्स लिखे हैं 20 + 32, जब हम 20 में 32 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52। एंड और जब हम इनके ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मीन्स 32 को पहले लिख देते हैं, 32 + 20 को बाद में लिख देते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 52। क्लियर बेटा? नंबर 4, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके बेटा, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में वी कैन ग्रुप 3 or more numbers in any way to add them, the answer remains same. बेटा इसका मतलब है जब हम 3 या 3 से ज्यादा numbers का group बनाकर किसी भी तरीके से add करते हैं तो हमारा answer same रहता है. Okay, example. ब्रैकेट 5 + 6 ब्रैकेट क्लोज +4 = 5 + ब्रैकेट 6 + 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। बेटा पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट में दो नंबर लिखे हैं 5 + 6, उनको ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा 11। और 11 में जब आप 4 को प्लस करोगे, 11 + 4 क्या आ जाएगा, 15। क्लियर? अब राइट साइड के ब्रैकेट 6 + 4 को सॉल्व करने पर आंसर आएगा 10। 5 + 10 = 15, तो आंसर सेम रहेगा। क्लियर बेटा? नाउ बेटा क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, 2359 + 1 = - 2359 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2360। आपने जब 2359 में 1 को प्लस किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 2360, जो कि 2359 का नेक्स्ट नंबर है। क्लियर? नाउ पार्ट बी, 4670 + 1000, इसको प्लस करके देखो, जब 4670 में 1000 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5670। क्लियर बेटा? इन पार्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस क्वेश्चन, 100 more than 6250 is - More than means plus. Okay. आप 6250 में जब 100 को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6350। क्लियर? नाउ इन पार्ट डी, पार्ट सी में 100 मोर देन था तो पार्ट डी में क्या है, लेट्स रीड, 1000 more than 5243 is - अब मोर देन मीन्स प्लस, ज्यादा, तो आप क्या करोगे, 5243 में 1000 को प्लस कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6243। नाउ बेटा पार्ट ई, 4990 + 1010 = - फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डिजिट्स एट देयर प्लेसेस। फर्स्ट नंबर डिजिट्स आर 4990, सेकंड नंबर डिजिट्स आर 1010। नाउ वी विल ऐड देम। ओके, वंस प्लेस नंबर्स वी हैव टू ऐड, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 + 0 = 0, टेंस प्लेस नंबर्स देन यू हैव टू ऐड 9 + 1 = 10, राइट 0 हियर एंड कैरी 1 एट हंड्रेड्स प्लेस। नाउ 9 + 0 = 9, 9 + 1 = 10, राइट 0 हियर एट हंड्रेड्स प्लेस एंड कैरी 1 हियर एट थाउजेंड्स प्लेस। 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6, आंसर इज 6000। सो 4990 + 1010 = 6000। क्लियर?
Now we will solve part F. 200 more than 1800 is a dash. More than means plus, ज्यादा. अब हम क्या करेंगे, 200 और 1800 को अपने अपने प्लेसेस पर लिखेंगे और फिर हम उनको एड कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 200 एट इट्स प्लेसेस. ओके, देन वी विल राइट 1800 एट इट्स प्लेसेस. नाउ वी विल एड देम. फर्स्ट ऑफ ऑल एड वंस प्लेस नंबर्स, 0 प्लस 0 0. Then tens place numbers, 0 plus 0, 0. Then hundreds place numbers, 2 plus 8, 10. Write 0 here at hundreds place and carry 1 here at thousands place. Now, we will add a thousands place number here. Thousand place, there is no number. So, we will write 0 here. 0 plus 1, 1. 1 plus carry 1, 2. Write 2 here at thousands place. Our answer is 2000. So 200 more than 1800 is 2000. जब हम 200 में 1800 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2000. Part G, 1000 plus 0 प्लस 7500 इक्वल टू डैश. बेटा पहले हम 1000 में 0 को प्लस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम थर्ड नंबर 7500 को प्लस करेंगे. क्लियर बेटा, 1000 प्लस 0, 1000 प्लस 7500. अब 1000 में जब हम 7500 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8500. So write 8500 here in the blank. Now part H. 1 more than 8999. More than means zyada, plus. Hum 1 mein 1 ko 8999 mein plus kar denge. Okay. So add it. 8999 plus 1. Our answer will be 9000. So write 9000 here in the blank in part I. First of all, we will read the question. 5254 plus bracket 1342 plus 2038 bracket closed equal to bracket dash plus 1342 bracket closed plus 2038. Beta, grouping property is shown here. Okay. We have to compare both sides number before equal to and after equal to. Hame equal to se pehle aur equal to ke baad ke jitne bhi numbers hai na, hame in sab ko compare karna hai. Clear? See, yahan par 1342 hai, left hand side. राइट हैंड साइड भी 1342 है. क्लियर बेटा, हियर लेफ्ट हैंड साइड 2038 इज देयर. राइट हैंड साइड इट इज आल्सो देयर 2038. देन व्हिच नंबर इज मिसिंग, कैन यू टेल मी. हियर लेफ्ट हैंड साइड 5254 इज देयर, बट दिस नंबर इज नॉट देयर राइट हैंड साइड. सो we will fill 5254 here in the blank. Clear beta, understood? Now word problem sums, question number 4. First of all we will read the question. In a garden there are 1300 herbs, 1640 shrubs and 200 trees. What is the total number of plants in the garden? बेटा पहले हम इस क्वेश्चन की हिंदी बनाएंगे कि एक बगीचे में, गार्डन मीन्स बगीचे में, हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियां, ओके, श्रब्स मीन्स झाड़ियां, ट्री मीन्स पेड़, बहुत सारे पेड़, पेड़ों, ओके, एक बगीचे में 1300
जड़ी बूटियां हैं और 1640 झाड़ियां हैं और 200 पेड़ हैं। बताओ बगीचे में टोटल कितने पौधे हैं? प्लांट्स मीन्स पौधे, टोटल मीन्स प्लस, प्लस करना कि कुल कितने पौधे हैं बगीचे में। तो हम इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? पहले हम प्लेसेस लिखेंगे, फिर हम नंबर्स लिखेंगे प्लेसेस पे। फर्स्ट नंबर इज 31,300, सेकंड नंबर इज 1,640 एंड थर्ड नंबर इज 200। नाउ वी विल ऐड देम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड वंस प्लेस नंबर्स, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, राइट 0 हियर। नाउ टेंस प्लेस नंबर्स, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 0 4, राइट 4 हियर। नाउ हंड्रेड प्लेस नंबर, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 2 11, राइट 1 हियर एट हंड्रेड प्लेस एंड कैरी 1 हियर एट थाउजेंड प्लेस। 1 प्लस 1 2, हियर बिलो 1 देयर इज नो नंबर सो वी विल राइट 0 हियर। 2 प्लस 0 2 प्लस कैरी 1 3, राइट 3 हियर एट थाउजेंड प्लेस। आवर आंसर इज 3140 प्लांट्स। तो अब बगीचे में टोटल कितने पौधे हैं? 3140। नाउ टुडेज होमवर्क इज डू असाइनमेंट। बेटा आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगी और @quark.com वेबसाइट पे अपलोड करूंगी। आप वो असाइनमेंट उसमें देखकर क्वेश्चन सारे आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। यू विल नॉट टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, ओके? यू हैव टू डू ईच एंड एवरी सम योरसेल्फ। ओके बेटा, अपने आप करना है। और उसके बाद नेक्स्ट डे, कल मैं आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन भी दूंगी, तो आप क्रॉस चेक करेंगे। ओके बेटा, और परसों आपका टेस्ट होगा। क्लियर? नाउ बेटा वी विल डिस्कस होमवर्क सॉल्यूशंस ऑफ लेक्चर 6 एक्सरसाइज 2D पेज 30 विच आई हैड असाइंड टू यू यस्टरडे। बेटा आई असाइंड 3 वर्ड प्रॉब्लम सम्स। ओके, हैव यू सॉल्वड? ओके, लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन 5, अ बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड विद 240 ग्रीन बल्ब्स, 350 रेड बल्ब्स एंड 190 येलो बल्ब्स। हाउ मेनी बल्ब्स वर यूज्ड इन ऑल? व्हाट हैव यू डन? क्या किया बेटा आपने इस सम में? यस, ऐड। नाउ आई जस्ट राइट हियर एंड यू हैव टू क्रॉस चेक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट places. Okay, first number is 240, so write 240. Second number is 350, so write 350 at its places. Then third number is 190, so write 190 at its places. अब हम इनको क्या कर देंगे, add, क्योंकि इसमें क्या पूछा था कि एक बिल्डिंग में तीन रंग के बल्ब, एक बिल्डिंग को तीन रंग के बल्ब से डेकोरेट किया गया है, तो ये बताना है कि उस बिल्डिंग में कितने, तीनों रंग के मिलाकर कितने बल्ब यूज हुए। ठीक है, तो अब हम पहले वंस प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, राइट 0 हियर एट वंस प्लेस। नाउ ऐड टेंस प्लेस नंबर्स, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18, राइट 8 हियर एट टेंस प्लेस एंड कैरी 1 हियर एट हंड्रेड प्लेस। नाउ ऐड हंड्रेड प्लेस नंबर्स, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, राइट 7 हियर एट हंड्रेड प्लेस। आंसर इज 780 बल्ब। तो कितने कुल मिलाकर कितने बल्ब यूज हुए? 780 बल्ब। हैव यू क्रॉस चेक? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 420 हिंदी बुक्स, 180 साइंस बुक्स एंड 730 इंग्लिश बुक्स। हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी?
ओके, आपको पता है बेटा लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं। आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पर जाकर बुक्स पढ़ते हैं। ओके बेटा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हिंदी ऑफ दिस क्वेश्चन। लाइब्रेरी में पहले हिंदी, पहले 420 हिंदी की बुक्स लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। हिंदी की बुक्स हैं, 180 साइंस की बुक्स हैं और 730 इंग्लिश की बुक्स हैं। तो लाइब्रेरी में कुल मिलाकर टोटल कितनी बुक्स हैं? तो पहला फर्स्ट नंबर कौन सी बुक्स हैं? हिंदी की बुक्स हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? प्लेसेस। फिर हम जो हिंदी की बुक्स का जो नंबर है उसको अपनी प्लेसेस पर लिखेंगे, दैट इज 420। ओके, देन वी विल राइट साइंस बुक्स नंबर, दैट इज 180। एट लास्ट वी विल राइट इंग्लिश बुक्स नंबर, दैट इज 730। नाउ वी विल ऐड देम। फर्स्ट ऐड वंस प्लेस नंबर्स, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, राइट 0 हियर एट वंस प्लेस। नाउ ऐड टेंस प्लेस नंबर्स, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 3 13, राइट 3 हियर एट टेंस प्लेस एंड कैरी 1 हियर एट हंड्रेड्स प्लेस। नाउ ऐड हंड्रेड्स प्लेस नंबर्स, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 1 13, राइट 13 हियर एट हंड्रेड्स प्लेस। आवर आंसर इज 1330 बुक्स। अब लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं? 1330। हैव यू क्रॉस चेक्ड? नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉपकीपर हैड 925 एग्स एंड ही बॉट 1200 मोर, हाउ मेनी एग्स ही हैड नाउ। एक दुकानदार के पास 925 अंडे थे और उसने 1200 अंडे और खरीद लिए, अब बताओ उसके पास कितने अंडे थे। तो हम इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट प्लेसेस। ओके, उसके बाद हम प्लेसेस के नीचे फर्स्ट नंबर लिखेंगे 925। ओके, देन वी विल राइट 1200। अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे। ओके बेटा, एड वंस प्लेस नंबर्स, 5 प्लस 0 5, राइट 5 हियर एट वंस प्लेस। नाउ एड टेंस प्लेस नंबर्स, 2 प्लस 0 2, राइट 2 हियर एट टेंस प्लेस। नाउ एड हंड्रेड प्लेस नंबर्स, 9 प्लस 2 11, राइट 1 हियर एट हंड्रेड प्लेस एंड कैरी 1 हियर एट थाउजेंड प्लेस। नाउ 0 प्लस 1 1, 1 प्लस कैरी 1 2, राइट 2 हियर एट थाउजेंड प्लेस। सो आर आंसर इज 2125 एग्स। अब उस दुकानदार के पास कितने अंडे थे? 2125। क्लियर?